एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिगो चैप्टर, जिसे लिखा है लुईस फीचर ने। और ये जो चैप्टर है वो गांधी जी के बारे में है, और ये जो चैप्टर है वो हिस्टोरिक चैप्टर है, तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो लास्ट तक समरी जरूर देखिएगा। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी, और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हम हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। स्टोरी की शुरुआत होती है गांधी जी से। गांधी जी जो है वो 1916 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं, और वहीं उसे एक किसान मिलता है। किसान गांधी जी से बात करना चाहता है, पर गांधी जी जो है वो बहुत ज्यादा बिजी है तो बात नहीं कर पाते हैं। तो जहां जहां गांधी जी जाते हैं वहीं ये किसान भी उसके साथ जाता है। ये किसान जो है वो राजकुमार शुक्ला है, जो कि चंपारण से है, और चंपारण जो कि बिहार में है। कॉन्फ्रेंस पूरी होते ही राजकुमार शुक्ला फिर से गांधी जी से मिलने की जिद करता है, पर गांधी जी जो है वो फ्री नहीं है। गांधी जी को नेक्स्ट कानपुर जाना होता है और वो पीछे पीछे जाता है। राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी से इसलिए मिलना चाहता है कि उसे वो चंपारण लेके जाना चाहता है, क्योंकि वहां पे अंग्रेजों का जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पर गांधी जी का शेड्यूल इतना टाइट होता है कि वो राजकुमार शुक्ला से मिल नहीं पाते हैं, और इतने में उसे अहमदाबाद आश्रम जाना होता है। जब वो अहमदाबाद आश्रम जाते हैं तो राजकुमार शुक्ला भी उसके पीछे पीछे जाते हैं, मतलब वो गांधी जी का पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक गांधी जी उसके साथ चंपारण नहीं चलेंगे। और इतने में फिर गांधी जी को कोलकाता जाना होता है, और कोलकाता में आखिर में राजकुमार शुक्ला की मुलाकात गांधी जी से हो जाती है। राजकुमार शुक्ला जो है वो अपनी सारी बातें गांधी जी से बताते हैं और कहते हैं कि चंपारण में हालत बहुत बुरी है, हमें आपकी जरूरत है, आप प्लीज हमारे साथ चंपारण चलिए। गांधी जी रेडी हो जाते हैं और चंपारण जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पहले वो जाते हैं पटना, और पटना में वो राजन प्रसाद नाम के एक वकील के घर पे रुकते हैं। चंपारण जाने से पहले गांधी जी जो है वो पूरे केस की स्टडी कर लेना चाहते थे, इसलिए वो पहले प्लान बनाते हैं मुजफ्फरपुर जाने का। मुजफ्फरपुर पहुंचते ही उसका स्टूडेंट, गांधी जी का एक स्टूडेंट जेबी कृपलानी, उसकी वेट कर रहा होता है, और वो उसे लेकर जाता है प्रोफेसर मलकानी के घर पे। गांधी जी आ चुके हैं, ऐसी खबर पूरे चंपारण में फैल जाती है, और गरीब किसान गांधी जी को लेने के लिए खुद ही आ जाते हैं, साथ में कुछ वकील भी आते हैं। गांधी जी वकील से बात करते हैं और सारे केस के बारे में जानते हैं, और वकील को डांटते भी हैं क्योंकि वो लोग गरीब किसान के पास से ज्यादा फी वसूल रहे होते हैं। पूरा मसला जो है वो ये है कि चंपारण में जो उपजाऊ जमीन है वो अंग्रेजों के पास है, और हमारे भारतीय गरीब किसान वहां पे काम करते हैं। ये जो किसान है उसे अपनी खेती के 15% पार्ट में नील यानी कि इंडिगो उगाना होता था, और ये इंडिगो की जो भी फसल होती थी वो उसे अंग्रेजों को सबमिट कर देनी होती थी। 1917 में जर्मनी जो है वो सिंथेटिक इंडिगो का डेवलपमेंट करती है और इसे कम दाम में बेचने लगती है, तो इससे भारतीय मार्केट जो है वो टूट जाता है इंडिगो का, मतलब जो नेचुरल इंडिगो है उसका जो प्राइस है वो हाई रहता है, और ये जो सिंथेटिक इंडिगो है उसका प्राइस लो रहता है। तो ब्रिटिश सोचते हैं कि ये इंडिगो हमारे कुछ काम की नहीं है, तो क्या किया जाए। अंग्रेज प्लान बनाते हैं और इस प्लान में हमारे गरीब किसान जो है वो फंस जाते हैं। तो अब होता यह है कि अंग्रेज ये कहते हैं कि आप अपनी जमीन वापस ले लो, ऊपर से हमें मुआवजा देना पड़ेगा। कुछ किसान रेडी हो जाते हैं और साइन भी कर देते हैं, और वो लोग फंस जाते हैं। अब वो लोग चाहते हैं कि उसे अपने पैसे वापस मिल जाए, और इसीलिए वो गांधी जी की हेल्प चाहते हैं। कुछ वकील ये सब केस के बारे में गांधी जी को डिटेल में भी बताते हैं, और इतने में जनरल सेक्रेटरी की नोटिस
गांधी जी को मिलती है कि आप चंपारण बिल्कुल मत आइएगा, आपके लिए यही सही होगा। गांधी जी इतने में मोतिहारी के लिए निकलते हैं और अपने केस के बारे में सोच रहे होते हैं। उससे नोटिस मिला हुआ होता है कि आप चंपारण के केस में दखलंदाजी मत कीजिएगा वरना आप पर भी केस हो जाएगा। और इस पूरी रिपोर्ट को, नोटिस को गांधी जी जो है वो डिसोबे करते हैं, नहीं मानते हैं और कहते हैं कि ये पूरी केस जो है वो मैं ही स्टडी करूंगा और मैं ही हैंड ओवर करूंगा। वो पूरी रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं पूरी रात और वाइसरॉय को भेजते हैं और दूसरे दिन गांधी जी को कोर्ट में पेश होना होता है। जब गांधी जी कोर्ट के लिए निकलते हैं तो गरीब किसान, पूरे के पूरे किसान कोर्ट के बाहर पहरा लगा देते हैं और नारा लगाते हैं गांधी जी के नाम का। ब्रिटिश बहुत ट्राई करते हैं इस भीड़ को कंट्रोल करने की, पर ये जो भीड़ है वो कंट्रोल अब नहीं हो रही है। गांधी जी उसका सपोर्ट करते हैं और भीड़ को कंट्रोल करने में अंग्रेजों की हेल्प करते हैं। इतने में अंग्रेज सोचते हैं कि इस केस को अभी के लिए टाल दिया जाए, पर गांधी जी कहते हैं नहीं, ये केस नहीं टलेगा और इसकी सुनवाई तो आज ही होगी। इतने में राजन प्रसाद भी बिहार से गांधी जी की मदद के लिए आ जाते हैं और जब वो लोग केस की बातें कर रहे होते हैं, सब वकील भी वहीं होते हैं, तो गांधी जी कहते हैं कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो आप लोग क्या करेंगे। तो वकील लोग कहते हैं कि हम भी आपके साथ जेल चले जाएंगे। और किसानों का साथ भी गांधी जी को था, मतलब गांधी जी सोचते हैं कि यहाँ पे मैं आधी लड़ाई तो जीत चुका हूँ। ये सब देखने के बाद, चंपारण का पूरा वातावरण देखने के बाद, किसानों का जुस्सा देखने के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो गांधी जी पे किया केस जो है वो वापस ले लेते हैं। गांधी जी चंपारण में 7 महीने तक रहते हैं और इस केस के बारे में लड़ते रहते हैं। और जब वो वाइसरॉय से मिलते हैं, गवर्नर से मिलते हैं, तो उसे कहते हैं कि आपको किसानों के पैसे वापस करने ही होंगे, एटलीस्ट 50% पैसे आपको वापस करने चाहिए। और फिर सारे हालात को देखते हुए ब्रिटिश सरकार जो है वो अपने घुटने टेक देती है और 25% रुपीस देने के लिए अग्री हो जाती है। तो अब किसानों को 25% रुपीस वापस मिल जाते हैं, अपनी जमीन भी मिल जाती है, पर गांधी जी अभी भी टेंशन में हैं, क्योंकि ये गरीब किसान जो है वो ना ही पढ़े लिखे हैं, ना ही शिक्षित हैं, ना ही उसे कोई समझ है। तो इसको शिक्षा देनी जरूरी है, इसका लेवल अपग्रेड करना जरूरी है, तभी वो दूसरी बार ध्यान रखेंगे और ऐसे ब्रिटिशों के चंगुल में नहीं फंसेंगे। अब किसानों को उसका हक तो मिल गया है, बारी है शिक्षा और स्वास्थ्य की। तो शिक्षा के लिए गांधी जी 6 स्कूल खुलवाते हैं चंपारण में। कस्तूरबा खुद यहाँ आके स्कूल में पढ़ाती है और साथ में स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे कदम उठाए जाते हैं। और चंपारण के इंसिडेंट के बाद गांधी जी को एक बात समझ आ जाती है, पता चल जाता है कि उसमें लड़ने की ताकत है, वो ब्रिटिश सरकार से भी लड़ सकते हैं, ये ताकत उसमें है। अगर सब साथ मिलकर लड़ेंगे, सबका साथ होगा और सब आत्मनिर्भरता से लड़ेंगे तो ये लड़ाई वो जरूर जीत जाएंगे। तो यहीं पर समरी का अंत होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।